हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मंजू एंड वेलकम टू माय चैनल मस्त किचन। आज मैं बनाऊंगी केले फूल की कटलेट, यानी बनाना फ्लावर की कटलेट। ये बहुत ही एक स्वादिष्ट स्नैक्स है। केले फूल की रेसिपी तो हमने बहुत ही बनाया है, एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिए, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाना फ्लावर की कटलेट बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए है एक केले की फूल। इसका आउटर पेटल को निकाल ले। इसका अंदर छोटे छोटे केले के गुच्छे होंगे जो कि फूल के गुच्छे जैसे दिखेंगी। एक एक फूल को ले और इसे अंदर में एक मैच स्टिक की तरह दिखने वाले हार्ड स्टिक निकाल लाएगा, वो निकाल ले। और साथ में एक पंखेड़े भी होंगे, उसे निकाल ले। छोटे केले को टेस्ट करके देखिए, अगर ये ज्यादा कड़वा हो गए तो ये खाने के लायक नहीं है, पर अगर हल्का कसैला लगे तो तभी खाने के लायक है। सारे छोटे गुच्छों से ये प्लास्टिक जैसे दिखने वाली मैच स्टिक को निकाल ले। सारे गुच्छों से हम प्लास्टिक जैसे दिखने वाली मैच स्टिक को निकाल लिया है, इसे हम फेंक देते हैं। इस बनाना फ्लावर को हम छोटे छोटे पीसेस से काट लेंगे। काटने के लिए हम लेंगे एक बड़ा बर्तन और इसे हम पानी डालेंगे और डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने इसलिए डाला है क्योंकि केले के अंदर बहुत ही आयरन होता है, काटने के बाद ये काले पड़ जाएगा, इसलिए हमने हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर डालने से ये काला नहीं पड़ेगा। देखिए, इसी तरह हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और हल्दी पानी में हम डालते जाएंगे। देखिए इसी तरह लास्ट में केले फूल का अंदर जो नरम पार्ट होंगे उसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। देखिए इसी तरह सारे केले के फूल काटने के बाद अब हम इसे बॉईल करने जाएंगे। देखिए, हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे हमारी केले का फूल, हमने जो छोटे छोटे पीसेस से काट लिया है, अब हम इसे डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे एक चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसे अच्छी तरह से मिला ले। और मिलाने के बाद हम 10 मिनट के लिए हम इसे बॉईल होने देंगे। देखिए, हमारे केले का फूल अब बॉईल हो चुका है और अब हम इसे उठा लेते हैं। बॉईल करते समय हमने दो आलू को छोटे टुकड़ों में काट करके इसमें डाल दिया था, वो भी अब बॉईल हो चुका है। इसी तरह एक छन्नी की मदद से हमने सारे केले और आलू को निकल लिया है। देखिए, ये अब बॉईल हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पर हमने लिया एक कढ़ाई और थोड़ा ऑयल डाला है और डाल दिया है कुछ पीनट्स। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। कटलेट के अंदर ये पीनट्स जब होंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए, ये अब फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर हमने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में दो चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच जीरा। जीरा चटकते ही अब हम इसे डालेंगे एक बारीक काटे हुए प्याज। प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब हम इसे डालेंगे एक चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देन इसे हम डालेंगे एक बारीक काटे हुए हरी मिर्च। इस सभी चीज को हम अच्छे तरह से फ्राई करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे एक चम्मच अदरक का पेस्ट, इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे। और देन हम डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इस सभी चीज को हम लो मीडियम में पकाएंगे। मसाला जल ना जाए इसलिए हम थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं और इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। देन इसके बाद हम डालेंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसको भी हम इसके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे हमारे बॉयल किए हुए केले के फूल और जो आलू थे एक साथ हमें मिला दिया था, इसको भी हम डाल देते हैं और इसके साथ अच्छे से मिलाते हैं। देन इसके बाद डालेंगे हमारी बारीक कटे हुए धनिया। एक स्पून के मदद से हम इस आलू को मैश कर लेंगे इसके साथ। देखिए इसी तरह इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे। देन इसके बाद हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और इसे भी हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और लास्ट स्टेज में अब हम डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला, इसे भी हम अच्छी तरह से इसके साथ मिलाएंगे। देखिए, ये अब फाइनली हो चुका है। इसे हम अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं
और इसके साथ हम मिलाएंगे हमारे पीनट्स जो फ्राई किए हुए थे, इसके साथ हम अच्छे तरह से इसे मिला देते हैं। इस मिश्रण का छोटे छोटे बॉल तैयार करेंगे और देन इसके बाद हम हथेली के बीच से रख के इसे फिंगर की तरह शेप देंगे। देखिए इसी तरह हम तैयार कर लेंगे सारी मिश्रण को। और इसे क्रंची बनाने के लिए एक कोटिंग करेंगे। इसके लिए हमने लिया है कॉर्नफ्लावर की घोल और ब्रेड क्रम। एक कटलेट को लेकर हम इस घोल के अंदर डुबो देते हैं इसी तरह, देखिए। और देन इसके बाद हम जो ब्रेड क्रम लिया है इसके साथ हम लपेटेंगे इसी तरह, थोड़ा प्रेस करते हुए हम इसे अच्छे तरह से लपेटेंगे। और इसी तरह हमने सारी जो कटलेट है सेम प्रोसेस से हम इसे तैयार करते हैं। हमारे सारे कटलेट फ्राई करने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं फ्राई करने के लिए। यहाँ पर हमने लिए है कढ़ाई और कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं और तेल को गर्म होने दें। देखिए तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम डाल देते हैं हमारी कटलेट। इसी तरह एक एक करके कटलेट को तेल में डालना है और एक स्पून की मदद से इसे पलट देना है। हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे गोल्डन होने तक हम पकाएंगे। देखिए ये अब हो चुका है। अब हम इसे उठा लेते हैं और दूसरी बैच हम डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। सेम प्रोसेस से हम फ्राई करेंगे। तो ये दीजिए हमारी क्रिस्पी क्रंची कटलेट बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची। इसे आप टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके बताना कैसा लगा मेरा रेसिपी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और मस्त किचन के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।